हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपको इस स्क्रीन के इंटरफेस से थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि मैं आज कौन सा टॉपिक समझाने वाला हूँ, कौन सा चैप्टर आज मैंने लिया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर होल्डर, ठीक है। तो इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या मेरे हिसाब से तो पूरे लगा सकते हैं कि ये चैप्टर जो है वो शेयर्स के ऊपर बेस्ड चैप्टर हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक एस्टिमेशन लगाया आपने। ये चैप्टर जो है आज हम ले रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। इन अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज वी विल डू इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। इससे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले मैं दो तीन बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोगों के काम की भी, सभी बच्चों के काम की हैं, सभी टीचर्स के काम की हैं, ठीक है। तो वो मैं दूसरी स्लाइड पर आपको लेके चलता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि आप सबको थोड़ा सा तो आइडिया मिल ही गया होगा, सुन लिया होगा आपने कि 15 दिसंबर से अप्रॉक्सीमेटली टेंटेटिव सी डेट है 15 दिसंबर 2019 आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 15 दिसंबर 2019। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शेड्यूल, मतलब आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स शेड्यूल जो है, स्केड्यूल जो है वो 15 दिसंबर 2019 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, फाइनल थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स हैं, वो 15 फरवरी 2019, मतलब 15 फरवरी 2019 टेंटेटिव डेट है फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए, जैसा कि अभी तक सुनने में आया। चेंज हो जाए दैट इज़ द सेपरेट केस, बट फॉर द टाइम बीइंग आपके फाइनल एग्ज़ाम्स का जो स्केड्यूल है वो है 15 फरवरी 2019, ये टेंटेटिव सी डेट है। अब ये टेंटेटिव सी डेट जो है ये क्यों रखी गई है, इस बार CBSE ने क्या बोला कि जो वोकेशनल एग्ज़ाम्स हैं ना, जितने भी वोकेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं, वोकेशनल स्ट्रीम्स वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, उससे पहले CBSE जो है अपने ट्वेल्थ के एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करके कम्प्लीट कर लेगा, और वोकेशनल एग्ज़ाम जो है वो CBSE के ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स के बाद का क्लैन जो है बनाया गया, ठीक है जी। तो इसके लिए अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट तो ये दो ही तरीके हैं मेनली, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस बार इस सेशन में 2020 मार्च के सिलेबस में, करिकुलम में जो ऐड हुई है, दैट इज़ MCQs, ठीक है। MCQs जो है, एग्जैक्टली MCQs नहीं, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में MCQs भी कवर होते हैं, वन वर्ड क्वेश्चंस भी कवर होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं आपको पेपर में, सारे कवर करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल घबराएं मत, हमारे पास बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, वन लाइन में भी आपको आंसर करने के लिए जो है वो बोल सकते हैं। दिस इज़ ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो मतलब सिर्फ MCQs नहीं आएंगे, आपको वन वर्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल भी करना पड़ सकता है, या आपको बोलेंगे कि वन लाइन में इसका आंसर करें, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स के आपको कवर होंगे सभी सब्जेक्ट्स में, नॉट ओनली इन अकाउंटेंसी, नॉट ओनली इन बिजनेस स्टडीज, नॉट ओनली इन इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में भी और फिजिकल एजुकेशन में भी। ट्वेल्थ के करिकुलम में इस बार ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ये पढ़े कहाँ से और किस तरीके से पढ़े, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो इसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, टाइम टू टाइम जो है वो आपको इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता रहूँगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम इसके ऊपर, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपके अगर एग्ज़ाम 15 फरवरी से पता तो चल ही जाएगा ना कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बिल्कुल इससे 45 डेज पहले या 35 डेज पहले, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, इन तीनों सब्जेक्ट्स की जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं या मेरे जॉनर के सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, इनके 1500 से लेके 2000 MCQs जो हैं मैं आपको हर सब्जेक्ट के प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। मतलब 1500 से कितने, 2000 MCQs हर सब्जेक्ट के। अब वो किसी भी बुक से हो सकते हैं, मैं खुद भी बनाऊँगा अपनी तरफ से भी, ठीक है। 400-500 तो मैं अपनी तरफ से खुद बनाऊँगा, और बाकी इधर उधर से जहाँ से मेरे को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई भी MCQs मिलते हैं, मैं आपके उस करिकुलम में, इस पूरे पार्ट में ऐड कर दूँगा। अब इसकी आपको क्या चीज़ मिल सकती है, आपको इसकी PDF फाइल मिल सकती है, PDF फाइल मिलेगी, दूसरा आपको इसकी प्रिंटेड कॉपी भी मिल सकती है,
प्रिंटेड कॉपी जो होगी वो चार्जेबल होगी, जितना भी चार्ज होगा सिर्फ आपको जितना भी चार्ज एक्चुअल में लगेगा वही लिया जाएगा, मैं अपनी मेहनत का जो है आपसे कुछ भी नहीं लूँगा, ठीक है। मैं तो बस सिर्फ़ एक मिशन पे हूँ, मिशन एजुकेशन, ठीक है। मेरा मेन पर्पस यही है कि जितने भी लोगों के पास एजुकेशन नहीं पहुंच पाती, क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पाती, या कई लोग जो है इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनको ये चीज़ें जो है प्रोवाइड करवाऊंगा। मेहनत कर रहे हैं हम इसके ऊपर बहुत जी जान से, ठीक है। तो ये आपको PDF में अवेलेबल होगी, प्रिंटेड कॉपी जो है इसकी अवेलेबल करवा दूंगा मैं आपको पूरी स्पायरल बाइंडिंग के साथ, ठीक है। जो भी उसका खर्चा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, PDF जो है बिल्कुल फ्री होगी, ठीक है। PDF के आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, बिकॉज इसमें मेरा कोई खर्चा तो लगना नहीं है, इसमें लगेगा मेरा खर्चा, जितना खर्चा मेरा लगेगा मैं आपसे उतना खर्चा जो है वो चार्ज करूँगा, ठीक है। तो PDF अगर चाहिए होगी, बाद में PDF से भी आपको प्रिंट जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है, तो आप PDF ले सकते हैं। और आपको प्रिंटेड कॉपी चाहिए होगी, जितना प्रिंटेड कॉपी के ऊपर खर्चा होगा दैट विल बी चार्ज फ्रॉम यू ऑल, ठीक है। इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, जब भी ये सारा मटेरियल जो है मेरे पास अवेलेबल हो गया, तैयार हो गया, तो मैं साथ के साथ ही जो है एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद वो वीडियो जो है आप देख के अपना जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो कर सकते हैं। आपको PDF चाहिए होगी, PDF मिल जाएगी, आपको प्रिंटेड कॉपी चाहिए होगी, प्रिंटेड कॉपी मिल जाएगी। प्रिंटेड कॉपी जो है उसके पैसे लगेंगे, PDF इज कम्प्लीटली फ्री, ठीक है जी। तो ये मेरा फ्यूचर का प्लान है कि आपको 1500 से लेके 2000 जो MCQs हैं मेरे हिसाब से सफिशेंट होंगे, इससे ज़्यादा तो करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इतना आप कर लेना बहुत इनफ होगा, ठीक है। ये सारे जो होंगे जितने भी MCQs हैं, पहले मैंने क्या किया हुआ है, नोट्स बना रहा हूँ, कॉपी पे लिख रहा हूँ, उसके बाद ये सारे जो आपको MCQs मिलेंगे ये कंप्यूटर टाइप्ड होंगे, ठीक है। कंप्यूटर टाइप्ड जो है मैं इसकी पहले वर्ड फाइल बनाऊंगा, उसके बाद इसकी एक PDF फाइल तैयार की जाएगी और वो PDF फाइल जो है वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, या प्रिंटेड कॉपी एज पर योर विश, ठीक है जी। तो ये आगे का प्लान है, अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है क्या, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जिसमें हमने क्या करना है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये एक लोगो सा बना, बड़ा सुंदर सा लोगो है, इसमें क्या लिखा हुआ है, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है, कंपनी का हिस्सेदार, ठीक है। जिसने कंपनी के जो है शेयर्स परचेज किए हैं वो क्या बन जाता है, हमारे कंपनी का हिस्सेदार बन जाता है, उसने हमारे कंपनी के जो है शेयर्स परचेज कर लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट जो हमने करना है इसमें क्या है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, ठीक है। तो ये नोट्स जो है मैंने खुद बनाए हुए अपने हाथ से, अगर किसी को इसकी भी PDF चाहिए होगी वो भी मिल जाएगी, बट आपको वीडियो देखने से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो में पूरा आपको क्लियर समझाऊंगा कि इसमें क्या चीज़ आपने करनी है और क्या चीज़ जो है हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। ब्राइटनेस मैंने बढ़ा दी, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। अब सबसे पहले जो है ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा हवा है, मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 9-10 साल का, बच्चों को इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरे को नहीं समझ में आती क्यों, क्योंकि मे भी शायद बच्चे मेहनत करने से डरते हैं, मेहनत नहीं करते हैं आजकल के, ठीक है। या पता है मेरे हिसाब से, जो मेरा मानना है, बच्चे आजकल मेहनत नहीं करते, बच्चों में एजुकेशन का कल्चर ही नहीं रहा, ठीक है। पंजाब में तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल है। सो मैं सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, इस चैप्टर में से आपका 10 से 12 नंबर का जो पेपर है वो कवर होगा। सो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कृपया आप मेहनत करें, ठीक है, और मेहनत करके जो है इस चैप्टर को आसान बना सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत जो है मेरे हिसाब से आपको नहीं होने वाली, ठीक है। इसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, 3 पे कर देते हैं, चलो, ठीक है जी। सो 10 से 12 मार्क्स का जो पेपर है वो इस चैप्टर में से आपका कवर होने वाला है, ठीक है। तो इसके ऊपर पूरा फोकस करना है, पूरे ध्यान से समझना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, चैप्टर पूरा समझ में आएगा, ये मेरी आपको क्या है एक गारंटी है, मैं गारंटी देता हूँ आपको, ये चैप्टर आप पूरा कंप्लीट करोगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कंपनीज जो है जब शेयर इशू करती है मार्केट में, तो कंपनी शेयर इशू करने का प्रोसीजर क्या फॉलो करती है, ठीक है। बड़े धीरे धीरे तसल्ली से समझाएंगे, आराम से समझना, आपने जल्दी नहीं मचानी, वीडियो जो है एक ही बार में सारी एक घंटे की बना दूंगा मैं, थ्योरी की थोड़ा सा पार्ट जो है जितना भी हमारा है, ठीक है। और धीरे धीरे जो है मैं इसको पार्ट्स में कट कर दूंगा, 4-5 पार्ट बना दूंगा, जिससे कि बोरियत नहीं होगी, आप आराम से इसको जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स को कंपनी किस तरीके से मार्केट में लेके आती है, क्या सारा कुछ। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि कंपनी का शेयर इशू प्रोसीजर क्या होता है। आप जो है ये लास्ट ईयर जो है पेपर में भी क्वेश्चन थ्योरी में भी आया, ठीक है, लास्ट ईयर भी प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स
आई डोंट नो लास्ट ईयर आया था कि उससे पिछले साल आया था, लेकिन क्वेश्चन मैंने देखा था कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कंपनी शेयर इशू प्रोसीजर क्या होता है। देखो जब भी कंपनी शेयर इशू करती ना, जैसे मुकेश अंबानी जो है रिलायंस कंपनी का चेयरमैन है, ठीक है, CMD है, चेयरमैन भी, मैनेजिंग डायरेक्टर भी, कंपनी के 60% शेयर जो है वो होल्ड करता है, ठीक है। अब जब कंपनी का मेजर शेयर होल्डर है तो कंपनी का मालिक भी बन गया, सबसे बड़ा चीफ, ठीक है। तो जब वो शेयर इशू करते हैं ना मार्केट में, मुकेश अंबानी अब गली गली में शेयर इशू करने नहीं जाता, ठीक है, स्टॉक मार्केट में खुद नहीं बैठता जाके कि शेयर जो है वो मेरे खरीद लो, ठीक है। तो शेयर इशू करने का प्रोसीजर क्या होता है, तो कंपनी से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ये कंपनी है अभी, सिंपल कंपनी, अभी बताऊंगा कंपनी कितनी तरह की होती है, ठीक है। कंपनी जो है सबसे पहले किनको हायर करती है, जॉबर्स को। जॉबर्स कौन होते हैं, ये हाईली कंसल्टेड एजेंसीज होती हैं, रिच कंसल्टेड एजेंसीज होती हैं। ये क्या करती हैं, कंपनी से एक लमसम अमाउंट ले लेती हैं। जैसे कंपनी जो है, मुकेश अंबानी जो है इनके पास गया, कंपनी के पास जॉबर्स की कंसल्टेंट फर्म्स होती हैं, इनको बोला कि हम आपको 5 करोड़ रुपया जो है वो कमीशन देंगे, आप हमारे सारे के सारे शेयर जो है वो सेल करवा दो, ठीक है। बेसिकली क्या किया कंपनी ने, अपने शेयर्स को, अपने प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया किनको, जॉबर्स को। आउटसोर्स का मतलब क्या होता है कि बाहर से काम करवा रहे हैं, खुद नहीं कर रहे, ठीक है। तो जॉबर्स जो होते हैं वो हाईली कंसल्टेंट एजेंसीज होती हैं, फर्म्स होती हैं, जो कंपनी के बिहाफ पे जो है कंपनी के शेयर्स को सेल करने में कंपनी की क्या करवाती हैं, हेल्प करवाती हैं, ठीक है। अब जॉबर्स का आगे काम क्या होता है, जॉबर्स जो है आगे कंपनी को तो गारंटी दे दी, कंपनी से तो कमीशन ले ली 5 करोड़ रुपए। अब आगे ये काम किस तरीके से करते हैं, ये क्या करते हैं, अंडर राइटर्स को हायर कर लेते हैं, ठीक है। मतलब मैंने तो यहाँ पे 3 लिखे हैं, कितने ही हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। अंडरराइटर्स भी क्या होती हैं, फर्म्स होती हैं छोटी छोटी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती हैं। अब जॉबर से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम जो हैं, आप हमारे को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, इतनी कमीशन जो है आपकी लगेगी, आपके शेयर जो हैं हम आगे सेल करवाएंगे सारे के सारे, ठीक है। अब जैसे सपोज करो जॉबर्स ने 100% जो है वो शेयर्स की गारंटी ले ली कि हम आपके 100% शेयर सेल करवाएंगे। अब अंडरराइटर्स ने क्या किया, 40% जो है शेयर्स अंडरराइट इसने कर लिया, अंडरराइट ने मतलब टेक ओवर कर लिया, 30% इसने कर लिया उस बी, और 20% जो है वो इन्होंने कर लिया, सॉरी 30%। तो टोटल 100% जो है वो टेक ओवर हो गया कंपनी के जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अब अंडरराइटर जो है जॉबर्स को गारंटी देंगे, कंपनी को नहीं, जॉबर्स को गारंटी क्या देंगे कि हम जितने भी आपके सारे के सारे शेयर्स हैं ना, हम आपके सारे शेयर सेल करवाएंगे, हम आपको गारंटी देते हैं। तो जॉबर्स जो है इनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ना सेल करवा पाए फिर, तो फिर ये क्या बोलते हैं उनको कि अगर हम आपके सारे के सारे शेयर नहीं सेल करवा पाए, जितने बच जाएंगे वो सारे के सारे जो है हम खरीद लेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो है शेयर एक बार जो है आपने सारे के सारे शेयर बेच दिए तो वो शेयर जो है किसके हो गए, हमारे हो गए, ठीक है। सो ये अंडरराइटर्स का क्या होता है, काम करने का तरीका होता है, ठीक है। अब अंडरराइटर्स जो है आगे क्या करते हैं, अंडरराइटर्स जो है ब्रोकर हायर करते हैं। अब एक अंडरराइटर के नीचे मैंने 3 ब्रोकर लिखे हैं, कितने ही हो सकते हैं, ठीक है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है यहाँ पे। अंडरराइटर 1 जो है उसने 3 ब्रोकर हायर कर लिए, अंडरराइटर 2 जो है उसने 3 ब्रोकर हायर कर लिए, अंडरराइटर 3 जो उसने 3 ब्रोकर हायर कर लिए। ब्रोकर जो होते हैं ना वो सर्टिफाइड ब्रोकर होते हैं, ठीक है। सर्टिफाइड किससे होते हैं, सेबी से। सेबी से जो है इनको लाइसेंस मिलता है। सेबी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये 1992 में हमारे इंडिया में, वैसे तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना किसी को पता नहीं है, बहुत कम लोगों को पता कि 1988 की बनी हुई है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इन्होंने अपना जो काम है, वर्किंग प्रोसेस जो है स्टार्ट किया था 1992 में। तो जिस दिन कंपनी ने अपना काम स्टार्ट किया ना, कंपनी जो है उसी दिन से जो है वो जानी जाती है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992। अब ये क्या करते हैं, सर्टिफाई करते हैं। किनको सर्टिफाई करते हैं, ब्रोकर्स को, कि कोई भी 11-11 बंदा जो है वो स्टॉक मार्केट में जाके ब्रोकर ना बन जाए और बोले कि मैं ब्रोकर हूँ और आपको गलत शेयर जो है वो चिपका दें, कि वो कंपनी के शेयर जो लिस्टेड ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि लोग जो होते हैं उनको तो नहीं पता शेयर मार्केट का काम क्या है, शेयर मार्केट जो है वो किस तरीके से काम करती है, वो तो बेचारे शेयर परचेज कर लेते हैं, अब पता नहीं कौन कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। तो ब्रोकर जो होते हैं वो सर्टिफाइड होते हैं, लाइसेंस्ड ब्रोकर होते हैं। अब ब्रोकर्स का काम क्या होता है, ब्रोकर्स क्या करते हैं, ब्रोकर्स जो हैं बायर्स और सेलर्स को आपस में मिला देते हैं और ट्रांजैक्शन जो है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। मतलब बायर कौन, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, मार्केट में शेयर सेल करते हैं, और सेलर कौन, सेलर कंपनी, ठीक है, कंपनी के बिहाफ पे ये काम करते हैं, ठीक है। एक चेन है इनकी, तो चेन स्टार्ट होती है कंपनी से आगे जॉबर्स, जॉबर्स से आगे अंडरराइटर्स, एंड अंडरराइटर्स से आगे क्या है, ब्रोकर्स, जो कंपनी के शेयर्स को लास्ट में, मतलब ये लास्ट पर्सन है, लास्ट चेन, जो शेयर होल्डर्स और कंपनी के बीच में चेन होती है उसमें एक लास्ट पर्सन है जिनको हम कहते हैं ब्रोकर्स। ब्रोकर्स सर्टिफाइड होते हैं, लाइसेंस्ड ब्रोकर होते हैं, इनके पास लाइसेंस होता है, बिना लाइसेंस के जो है ये स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते, ठीक है। अभी अंडरराइटर्स क्या है, अंडरराइटर्स आर जनरली दोज पर्सन्स
हु एक्चुअली अंडरटेक द शेयर्स फ्रॉम द जॉबर्स, वो जॉबर्स से शेयर अंडरटेक करते हैं एंड गारंटीज देम दैट दे विल सेल ऑल देयर शेयर्स, ठीक है, कि जितने भी शेयर वो इशू कर रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो शेयर्स उनके सेल करवाएंगे, ठीक है. इफ़ ऑल द शेयर्स आर नॉट सब्सक्राइब्ड फुली बाय द पब्लिक देन द अंडर राइटर्स विल टेक अप द रिमेनिंग शेयर, जितने भी बचे शेयर वो सारे के सारे टेक अप कर लेंगे. अंडर राइटर्स यूजली वर्क ऑन कमीशन बेसिस विच इज़ गिवन टू देम इन द फॉर्म ऑफ कैश और शेयर्स, ठीक है. अंडर राइटर्स जो होते हैं वो कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, कमीशन इनको कैश में भी मिल सकती है और शेयर्स में भी मिल सकती है. अब कैश में जो कमीशन है अगर तो वो अंडर राइटिंग जो है वो शेयर्स की करते हैं तो वो जो कमीशन है वो 2.5% है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, जितने भी कंपनी शेयर इशू कर रही है उसका 2.5% इनको मिलता है. अगर डिबेंचर इशू कर रही है तो उसमें 1.5% होता है. आई डोंट नो अब चेंज हो गया हो, मैंने रिसेंट जो है वो नहीं पढ़ा. ये बीकॉम में चैप्टर है आपको पूरा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इसमें आता ही आता है. देन ब्रोकर्स कौन है, ब्रोकर्स आर द लास्ट पर्सन इन द होल प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, लास्ट बंदे होते हैं. दीज ब्रोकर्स आर यूजली सर्टिफाइड फ्रॉम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जितने भी ब्रोकर्स हैं ये सर्टिफाइड होते हैं सेबी से एंड यूजली ग्रांटेड अ लाइसेंस ऑफ सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन का इनके पास लाइसेंस होता है. ब्रोकर्स हेल्प्स बायर्स एंड सेलर्स टू इंटरेक्ट एंड ट्रांजैक्ट इन द स्टॉक मार्केट, इंटरेक्ट करने में और ट्रांजैक्ट करने में इनकी हेल्प करते हैं. ब्रोकर्स प्ले अ रोल ऑफ ब्रिज बिटवीन द बायर्स एंड द कंपनी और बायर्स के बीच में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है. सो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम आते हैं अपने मेजर बड़े टॉपिक पे, वो क्या है, व्हाट इज शेयर्स. अब शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है. वैसे तो शेयर्स का सिंपल शेयर का सिंपल मतलब क्या होता है, हिस्सा. जैसे सपोज करो ये पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा के ये सेंटर में पिज्ज़ा पड़ा हुआ है, हम क्या करते हैं इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने 6 स्लाइसेस कर दिए पिज्ज़ा के. अब सारे यार दोस्त बैठे हैं, तीन दोस्त बैठे हैं तो हर एक हिस्से में कितना आया, सबका शेयर कितना कितना होगा, 2 स्लाइसेस. तो शेयर तो ये भी हो सकता है, ठीक है. तो शेयर का मतलब अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो शेयर का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है. तो शेयर क्या, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि कंपनी की जितनी भी कैपिटल होती है ना, तो कंपनी क्या करती है, ऑथोराइज कैपिटल को छोटे छोटे डिनोमिनेशन में क्या करती है, बांट देती है या तोड़ देती है, ठीक है. जैसे सपोज करो आपके पास 2000 का नोट है, आप मेरे किसी के पास गए कि बोला कि सर हमारे को 2000 की जो है चेंज चाहिए, तो 2000 के चेंज जो है मैंने आपको क्या किया, 100 रुपये के 20 नोट दे दिए, ठीक है. तो क्या हो गया, अब भी आपके पास कितने नोट्स हैं, 100 के 20, तो अमाउंट तो उतनी बनी ना 2000. तो कंपनी भी ऐसी करती है कि जितनी भी कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल होती है, ऑथोराइज कैपिटल मतलब कि जितने के शेयर कंपनी इशू कर सकती है एक टाइम पे मार्केट में, उसको ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं. अब कंपनी क्या करती है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर लेती है, डिवाइड कर देती है. अ शेयर इन वन यूनिट ऑफ ऑनरशिप इंटरेस्ट इन अ कॉरपोरेशन, शेयर इज वन यूनिट, ठीक है. शेयर इन वन यूनिट ऑफ ऑनरशिप इंटरेस्ट मतलब आपका कंपनी में एक ऑनरशिप इंटरेस्ट बन गया, मतलब सिंपल सी चीज़ है ना, जो शेयर होल्डर होते हैं, क्या बोला जाता है कि शेयर होल्डर जो हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, असली मालिक होते हैं, ठीक है. तो शेयर होल्डर जो हैं कंपनी के असल मालिक जो हैं बन जाते हैं आफ्टर गेटिंग द शेयर्स इन अ कंपनी. अ शेयर एंटाइटल्ड इट्स ओनर टू अ पोर्शन ऑफ डिविडेंड्स एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द इशूइंग एंटिटी, ठीक है. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ शेयर एंटाइटल्ड इट्स ओनर टू अ पोर्शन ऑफ डिविडेंड्स. अब शेयर होल्डर जो होते हैं ना, जो भी कंपनी के जिनको मालिक बोला जाता है, उनको एक राइट मिल जाता है कि वो कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, जैसे कंपनी के प्रॉफिट्स हुए 100 करोड़, ठीक है. अब कंपनी के प्रॉफिट जो है 100 करोड़ हैं, अब कंपनी क्या करेगी, इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो प्रॉफिट का वो डिविडेंड्स में बांट देगी और कुछ हिस्सा जो है जो रेजिडुअल वैल्यू जिसको बोलते हैं बचा हुआ, वो कंपनी का अपना होता है. तो डिविडेंड्स का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जिसको हिंदी में कहते हैं लाभांश. लाभांश का मतलब क्या होता है, लाभ प्लस अंश, मतलब लाभ का हिस्सा जो है, कुछ लाभ मतलब प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो शेयर होल्डर्स के साथ जो है वो शेयर किया जाता है और जो बच जाता है वो कंपनी जो है वो फ्यूचर के लिए रिटेन कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स प्रोविजंस एक्सेट्रा. तो ये शेयर का मतलब होता है कि शेयर एक सिंपल डिनोमिनेशन होती है जिसमें क्या होता है कि कंपनी की ऑनरशिप जो है किसी शेयर होल्डर को मिल जाती है और उसको साथ ही डिविडेंड्स का भी एक हिस्सा मिलता है, बची हुई वैल्यू जो है वो कंपनी ले जाती है, ठीक है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर.